गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मैथ्स की क्लास में क्या सीखा था? कल हमने सीखा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। कल हमने ये सीखा था ना, तो चलिए एक बार हम पहले आज जो हमें सीखना है उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमने कल सीखा था उससे रिलेटेड। ठीक है, आपको 9.56 को डिवाइड करना है 1.2 से। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्या है 9.56 को डिवाइड करना है आपको 1.2 से, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम डेसिमल हटा लेते हैं। हमने यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे कितने आएंगे 100। यहाँ से डेसिमल आया ऊपर 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। हमने 10 से 10 सिंप्लीफाई कर ली और हमारा क्या रह गया 9.56/12×10। ठीक है, अब हम 12 से 9.56 को डिवाइड कर लेंगे। आपको डिवाइड शो करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 12 से हमने 9.56 को डिवाइड किया। ठीक है, क्या आएगा आंसर 12×7 12×7 कितने होते हैं 84। तो 12×7 84, रिमाइंडर बचा 11, 116। 12×9 108 108 और फिर रिमाइंडर बचा 8। फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर क्या आया 12×6 72 एंड फिर रिमाइंडर बचा 8। फिर हमने 0 बढ़ा लिया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, फिर 6 72 फिर 8 रिमाइंडर आया, फिर हमने 0 लगा लिया 72। तो इस तरीके से रिमाइंडर आता जा रहा है। तो हमने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक निकाल लिया। क्या आया यहाँ पर, क्या आया हमारा 79.666/10। ठीक है, अब हमने 10 से इसको डिवाइड किया तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। अभी पॉइंट कहाँ है 9 के बाद, अब 7 के बाद लग जाएगा, तो 7.9666। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं, वैसे हम ये सीख चुके हैं, एक बार और सीख लेते हैं कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, 69/4 69 को 4 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 4 से 69 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4×1 = 4, रिमाइंडर बचा 2। फिर 9 उतारा हमने, 4×7 = 28, क्या बचा रिमाइंडर 1। अब हमारी ऐसी स्टेज आ गई कि अब डिवाइड आगे हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाकर 10 यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, यही तो करते हैं हम। अब 4×2 = 8, तो 2 8, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब हमारा ऑलरेडी पॉइंट लगा है तो हम यहाँ 0 फड़ा लेंगे। अब क्या आएगा 4×5 = 20, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। 4 से हमने 69 को डिवाइड किया, आंसर आया 70.25। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर में। और हमें अगर पॉइंट में आंसर लाना है, किस में लाना है पॉइंट में आंसर लाना है, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 10 बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए अब एक और क्वेश्चन समझिए। अब इसमें है कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमने ऐसे लिख लिया इसको। हमारा मेन मकसद होता है, मेन
वर्क होता है कि हम पहले डेसिमल को हटा लें, हम सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करें, डेसिमल जितने भी हैं हमारे उनको हम हटा लें कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, मीन्स ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा, 126 × 10/18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 18 से 126 को डिवाइड कर लेंगे, 18 से 126 को डिवाइड करेंगे तो 18 × 7 = 126, 7 × 10 आंसर आ गया हमारा 70, क्या आ गया 70। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले नीचे से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जीरोस लगा लेंगे, और जिस तरीके से अभी तो ये छोटा डिवाइड था, लेकिन अब जिसमें डिवाइड आपको करना पड़े बड़ा, तो उसको आपको शो करना है, और आप शो करने के बाद जो हमारा 10 है या जो भी यहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और आपने डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ी है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है, क्या अगर हम किसी भी नंबर को, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, 1248 को आपको किससे डिवाइड करना है, 0.13 से, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेंगे, हमने यहाँ से डेसिमल हटाया और ऊपर 100 लगा दिए, क्योंकि नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 1 डिजिट होती तो 10, 3 डिजिट होती तो 1000, 2 डिजिट है मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नीचे हमने डिवाइड से हटाया और ऊपर मल्टीप्लाई में 100 लगा दिया, ओके। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब क्या रह गया आपका, 1248/13 और ऊपर 100 मल्टीप्लाई में। अब आप क्या करेंगे, 13 से 1248 को डिवाइड कर लेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं, 13 से हमने 1248 डिवाइड कर यहाँ कर लेते हैं, हमने 13 से 1248 को डिवाइड किया, कितनी बार होगा, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, रिमाइंडर क्या बचा, 7 78, ठीक है। हमने 8 नीचे उतार लिया, अब 13 6 जा कितने होते हैं, 78, हमारा इतना डिवाइड हो गया। अगर इतना डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता, तो हम क्या करते, पॉइंट लगाते और 10 बढ़ाते और आगे इसको सॉल्व करने लगते, तो क्या आया आंसर हमारा, 96 × 100, ठीक है, क्योंकि ये से 13 से 1248 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो क्या आया आंसर, 96 × 100, 9600, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल, किसी भी होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न तो पढ़ी है ना, कि डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, किसी भी, अगर हम ज़ीरो से किसी भी डेसिमल नंबर, अगर हम ज़ीरो को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, ज़ीरो, क्या आता है, ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, आंसर आता है ज़ीरो, ठीक है। उसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 5.58 को मैंने 5.58 से ही डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा, 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार इनको हम डेसिमल में भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये हैं आपकी कुछ 3 डेसिमल की डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़। अब देखिए डिवीज़न में हमने क्या क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से किस तरीके से डायरेक्ट
डिवाइड किया जाता है। और ये आपको बहुत अच्छे से आ गया, तो ये आप देख रहे हैं ना कि आगे भी इसका कितना यूज़ है, आगे भी अगर हम डिवीज़न करते हैं तो आगे भी इसका बहुत यूज़ है। सेकेंड हमने सीखा कि किसी भी नंबर को, वो किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड हमने सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। और फोर्थ हमने सीखा कि नंबर को नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे जब वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, मतलब हमें रिमाइंडर नहीं बचाना है, पॉइंट में आंसर लेकर आना है, डेसिमल में आंसर लेकर आना है, तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे। और फिफ्थ हमने चीज़ सीखी कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो डिवीज़न में आपने पांच चीज़ें सीखी, पांच तरीके के डिवीज़न सीखे, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से वो जितने ज़्यादा आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आपको ये हो जाएंगे। अच्छा, आपको होमवर्क में 5.11 सॉल्व करनी है, कोई भी इसको 5.11 नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे इसको 5.11। तो आज आपको होमवर्क में 5.11 सॉल्व करनी है। और एक बात ध्यान रखनी है, साफ तरीके से करनी है, कोई भी कटिंग नहीं करेगा, और राइटिंग बिल्कुल साफ सुंदर, और जितने पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट सॉल्व किया करिए, ये नहीं कुछ आपने पार्ट सॉल्व कर लिए और कुछ छोड़ दिए, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। जितने पार्ट्स आपको गिवन हैं उतने ही पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।